भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हाँ, जरूरी जानकारी है इस खबर में, देखिए ध्यान से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की सबसे बड़ी और अहम खबर में। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 2024 से जुड़ी। जी हां, बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर सरकार की तरफ से आज एक सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई और आप सभी के पेपर पैटर्न को लेकर सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां, आप सभी को बता दें, इस बार आपका पेपर पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। ये सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा हो चुकी है और क्या क्या इसमें बदलाव किए गए, क्या चेंजेस किए गए, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में के साथ में देने वाले हैं। चाहे भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट हो तो आप तमाम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, जिसके संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो एंड तक जुड़ देखिएगा और साथ ही आपने बोर्ड और राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जुड़ लिखेगा ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारे छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, आप सभी को बता दें, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार कई सारे बड़े बदलाव कर रही है। इसी बीच आप सभी के पेपर पैटर्न को लेकर सरकार ने कल सभी देश के शिक्षा मंत्रियों के साथ में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया, आप सभी के पेपर पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां, आप सभी को बता दें, इस बार जो आपका पेपर पैटर्न बनाया जाएगा वो इस प्रकार से बनाया जाएगा कि आपके देश यानी भारत के अलावा कोई भी जो विदेश है वहाँ से कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा कि आपके इस बार आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ये भी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा कि आपकी परीक्षा से पहले मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार आपका जो पेपर है आने वाला है वो किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आने वाले, इसकी आपको पहले से जानकारी लग जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा छात्रों के लिए। तो इस पर आप फिलहाल क्या रहे, जो बदलाव किए इसमें से कौन सा अच्छा लगा उसकी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।